फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, आज बहुत दिन के बाद एक टॉपिक लेके आया हूँ। फ्रेंड, एक पीसीबी मेरे को एक टेक्नीशियन ने दिया है। ये ऊपर से सिंगल फेज आईजीबीटी मॉडल है, सिंगल पीसीबी में वो पीसीबी है। ऊपर से गिर गया था, एक कंट्रोल कार्ड ब्रोकन हो गया था, ब्रेंड हो गया था। मैं ऐसे में करके मतलब फॉइल को ट्रेस करके फोल्डिंग किया हूँ, फॉइल ट्रेस करके सोल्डिंग किया हूँ, फ्रेंड आप देख सकते हो। तो इस टाइप का अगर आपका पीसीबी आएगा रिपेयर करना है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है काम करने से पहले। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो आपका आउटपुट जो है, ये तो एक SMPSC है, इसका आउटपुट जो है शॉर्ट है कि नहीं। तो मैं इधर से चेक कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको बार जा रहा डायोड में ले दिया, शॉर्ट नहीं है। सबसे पहले शॉर्ट नहीं है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो आपका IGBT लगा है इसमें। इसमें IGBT देखिए, इधर दो लगा है, इधर दो लगा है। इस साइड कोई टूटा तो नहीं है, मतलब इसका जो गेट ड्राइवर नेटवर्क है उसमें कुछ फिजिकली ब्रोकन है नहीं, क्योंकि ये ब्रोकन केस में है, इसलिए देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये कंट्रोल कार्ड ब्रोकन है, इसका मतलब इसका जो स्विचिंग है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है जो आता है, या ड्यूटी साइकिल है, ये सारे चेंज हो सकता है। तो इसलिए मैं इस ड्राइवर का जो ड्राइवर का ट्रांसफार्मर लगा है, आप देख सकते हो, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर 15:15 रेशियो का है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सप्लाई खोल दिया, क्योंकि इधर से जो फायरिंग सिग्नल इधर नहीं जाएगा, और बाकी ये जो गेट टू सोर्स ए एन चैनल मॉस्फेट है, इसलिए गेट टू सोर्स पुल डाउन एक नेटवर्क लगा रहता है, वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये क्रॉस फायर अगर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको चेक कर लिया। उसके बाद हम लोग इसमें पावर देंगे, ये फिजिकली चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको पावर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका करंट एडजस्ट हो रहा है, देख सकते, ये घट रहा है बढ़ रहा है। आपका इधर कुछ डिस्प्ले नहीं है, मतलब कुछ इंडिकेशन नहीं है। अभी मैं इधर से इसका ड्यूटी साइकिल चेक करूँगा, मतलब इसका आउटपुट चेक करूँगा। तो आउटपुट इधर जो लगा है, इसको मैंने खोल दिया हूँ। तो मैं इसका AC में गया, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज में है, अभी है। अभी देखिए, ये देखिए जीरो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इसको हर्ज में देखिए, देख रहा है इसका आउटपुट 41% दिखा रहा है, फिर जीरो, देखिए मतलब एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रहा। तो मैं इसको ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया हूँ फ्रेंड, सर आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं एनालिसिस ऑलरेडी करके रखा हूँ। इसमें एक रेगुलेटर IC लगा था 7815, तो 7815 ये अभी काम सही से नहीं कर रहा है, मतलब इसे 15 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट देना था, ये 12 वोल्ट से 13 वोल्ट ऐसे आउटपुट दे रहा है, वो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है। इसलिए मैं मार्केट से नया 7815 रेगुलेटर IC लेके आया हूँ, इसको चेंज करूँगा। आपको ये बोल और भी एक बोल रहा हूँ, ये 12 वोल्ट 13 वोल्ट दे रहा तो क्या दिक्कत था, इसमें आउटपुट देना चाहिए था। इसको लगा के ऑलरेडी प्रेजेंट में था, ये 12-13 वोल्ट से आउटपुट नहीं देगा, ये जो कंट्रोल कार्ड में सिस्टम है, इसलिए आपको 15 वोल्ट ही देना है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये क्यों शेयर कर रहे, कंट्रोल कार्ड का टाइप आप देख लीजिए, ये कंट्रोल कार्ड का टाइप ऐसा है, ठीक है। इस टाइप का कंट्रोल कार्ड ये मार्केट में भी तो मैं ढूंढा था, नहीं मिला। तो इसलिए इधर अगर आपका वोल्टेज कम आएगा, तो आप 12-13 वोल्ट आ रहा है, आप सोचोगे हाँ अभी चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा। मैं भी पहले ऐसे कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि इसका स्कीमेट्रिक मैं बनाया नहीं अभी। एक्चुअली ये टाइप का PCB मेरे पास अभी आया है, इसका स्कीमेट्रिक बनाना था, अगर हो सके तो बना भी लूँगा। फ्रेंड, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा,
कोई काम करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उस काम के लिए क्या क्या सावधानी में काम करना है, वो सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से फंस सकते हो। ठीक है, सेफ्टी सबसे बढ़िया चीज़ है, आप लोगों को सेफ्टी में ही काम करना पड़ेगा। मैंने इधर कनेक्शन कर दिया और एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, इधर ये डायोड है। ठीक है, ये इधर डायोड लगा है, एक साइड का डायोड खुला है, एक साइड का डायोड लगा है। मैं खुला था इसलिए क्योंकि इस कंट्रोल कार्ड को इधर से सोल्डिंग करना था, इसलिए इसको खुला था, इसको लगा दिया हूँ, लेकिन इधर सोल्डिंग नहीं किया हूँ। तो इसको बाद में भी कर सकता हूँ, अभी भी फिल कर सकता हूँ, तो मैं अभी कर दे रहा हूँ। फ्रेंड, जब भी ये सोल्डरिंग करते हो ना, अच्छी तरह से सोल्डर दीजिएगा, क्योंकि मेरे से ही एक बार गलती हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एक IGBT मॉड्यूल वेल्डिंग मशीन में मैं कंट्रोल कार्ड को रिपेयर किया था, उसके बाद उससे जो IGBT में जो वायर गया है से, उसमें थोड़ा परफेक्ट सोल्डिंग नहीं हुआ था, उसके चलते पूरा IGBT दो IGBT 75 एम्पियर का उड़ गया है, उसके साथ कंट्रोल कार्ड को भी डैमेज कर दिया है। इसलिए फ्रेंड इस चीज़ ध्यान रखना। फ्रेंड और एक चीज़ देखिए, इसका जो तीनों कैपेसिटर पैरेलल में लगा था, ये दो खोल के रखा हूँ, किस काम में लगा दिया था, अभी एक लगा है, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी मैं इसका सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई दिया हूँ फ्रेंड, सप्लाई दे रहा हूँ, डिस्प्ले आ गया। ठीक है, ये हीट का लाइट जल रहा था, फिर नॉर्मल हो गया, ये पावर का लाइट ब्लो हो गया, अभी मैं इसका आउटपुट दे रहा है कि नहीं चेक करूँगा। ठीक है फ्रेंड, अब देख ये देखिए फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है फ्रेंड, 34.40 kHz, और देखिए ड्यूटी साइकिल 49.7 है। फ्रेंड ये जो सिग्नल देख के आपको पता चल जाएगा, ये मशीन इसमें IGBT लगेगा। ये अगर आपके पास कोई टेक्नीशियन से रिटर्न होके आ रहा है, इसमें IGBT सारे खोल दिया है, आपको कैसे पता चलेगा ये IGBT वेल्डिंग मशीन है या MOSFET, इसमें IGBT लगा था या MOSFET लगा था, आपको कैसे पता चलेगा। ये कंट्रोल कार्ड आपको कैसे स्विचिंग, ये परफेक्ट स्विचिंग दे रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ जानने के लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ट्रेनिंग भी ले सकते हो, और अगर ट्रेनिंग भी नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो आप लोगों को उसमें अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा, हर रोज लगा रहना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, मतलब एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप लोग हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग एक मॉडल में काम सीख गया, आप सोचोगे नहीं हाँ हो गया, दूसरे में ऐसे देख के कर लोगे, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग हर रोज स्टडी में लगा रहना पड़ेगा, और ट्रेनिंग लेने में ये क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, और कुछ नहीं। फिर देखिए मैंने इसका कनेक्शन दे दिया, अभी कनेक्शन दे दिया, अभी ब्लास्ट भी हो सकता है, ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि आपका सिग्नल सारे ओके है वोल्टेज, तो ब्लास्ट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, मैं इसका अभी पावर दे रहा हूँ। ठीक है, एक पावर दे दिया, मैं इसको कौन सा रेंज में करूँगा फ्रेंड, DC में कर दिया, ये दो आउटपुट है।
स्क्रीन आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले, करंट में भी भारी हो रहा है डिस्प्ले में। तो आउटपुट है डीसी रेंज में रखा हूँ, आउटपुट दिखा रहा हूँ 54 वोल्ट है। मैं आप लोगों को स्पार्किंग करके भी दिखा दूँगा, इसको कोई बात हो जाए। फोर बोल डाल रहा है मतलब ठीक है, इसमें एक दिक्कत हो रहा है शायद, आपको दिखाई फ्रेंड। देखा स्पार्किंग हो रहा है, एक पहले क्यों नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, एक्चुअली इसमें एक निकल एक कोटिंग सॉरी निकल बोल रहा है एक कोटिंग दिया रहता है इसकी वजह से। ठीक है फ्रेंड, एक काम कर रहा है, ठीक और ज़्यादा टेस्ट नहीं करूँगा। ये मशीन अभी ओके हो गया, अब देख सकते हो अब ये ओके है। मैं इसको एसी में कर दूंगा, इसका सिग्नल चेक करवा दूंगा। ये 34.5 किलो आर्ज में है, पूरा ओके है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आप लोगों को, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।